बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाका नाबुदू व इयाका नस्ताईन। अभी हमने अपनी टीवी स्क्रीन पर एक अजीब मंजर देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब, जिनकी जमात अभी नताइज के मुताबिक अकलियत में है और अकलियत में भी उनकी नशस्तें जो हैं वो आधी से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से जीत चुकी है और धौंस धांधली के साथ उन्हें बदलने की कोशिश की जा रही है, वो स्टेज पर आए और उन्होंने फतह क्लेम करने की कोशिश की इन इंतखाबात में। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये मुल्क इतना गया गुजरा नहीं और ये अवाम इतनी गई गुजरी नहीं जितनी आप समझते हैं कि आपने जो फस्ताइयत की दीवारें खड़ी की, जो खौफ के बुत आपने तामीर किए, जो मायूसी की आपने रुकावटें तामीर की, उन सबको अबूर करके जज्बे से सरशार ये कौम बाहर निकली और आप एक कलम के साथ और साजिश के साथ 50-50 हजार, 1-1 लाख की जो बर्तरी है उसको आप अपने हमायत में, अपने कैंडिडेट्स की हमायत में तब्दील कर लेंगे, तो ऐसे होने वाला नहीं। हकीकत तो ये है मियां साहब कि आप अपनी सीट भी हार गए, आपके भाई भी अपनी सीट हार गए, आपके तमाम खानदान और आपके तमाम लीडरशिप अपनी सीटें भारी अक्सरियत से हार गया। और अब अगर आप समझते हैं कि सिर्फ साजिश के बलबूते पर ही आप अपने आप को और अहलो अयाल को दोबारा इस कौम पर मुसल्लत कर लेंगे, तो ये होने वाला नहीं है। मैं ये वाजे बताना चाहता हूं कि कौम ने जो मैंडेट दिया हम उसकी रखवाली करेंगे, हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं, हम अदालतों में भी जाएंगे और इंशाल्लाह ताला वफाक में भी और सूबों में भी भारी अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम होगी इंशाल्लाह ताला। मैं इंशाल्लाह ताला कल दोपहर को दोबारा आपसे बात करूंगा, तमाम अवाम से, तमाम कारकुनान से, और नए हिकमत अमली का ऐलान करूंगा।